मेवात के बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता घर से वोटिंग का चुन सकते हैं विकल्प। बता दें, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वें लोकसभा आम चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई है। नूह एडीसी प्रदीप सिंह ने बतलाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खटगटा ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि वे अपने एरिया में यह सुनिश्चित करें कि उनके गांव में ऐसे कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। भारत चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वर्ग के जो मतदाता घर से मतदान करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनका घर से ही मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। एडीसी प्रदीप सिंह ने कहा है कि बीएलओ द्वारा युवाओं को वोट बनाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा है कि 26 अप्रैल तक 1 अप्रैल 2024 की आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष पूरी कर चुके युवा अपना वोट बनवाकर आगामी 25 मई को लोकसभा आम चुनाव में मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा वर्तमान में वोट ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिन मतदाताओं को अपने वोट अन्य स्थान पर ट्रांसफर करवाना है, वे भी चुनाव आयोग की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से या फिर जिला चुनाव कार्यालय या बीएलओ के पास ऑफलाइन मोड से निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 25 मई को हरियाणा में होने हैं, उनके मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से बहुत सारे इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें एक उसी कड़ी में एक इंतजाम ये भी है कि जो भी हमारे दिव्यांग या फिर जो बुजुर्ग मतदाता हैं जो 85 साल की उम्र से पार कर चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए, इन सभी मतदाताओं के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इस बार यह प्रावधान किया गया कि वो घर से अगर चाहें तो घर से वोटिंग कर सकते हैं। इसी संबंध में जिला प्रशासन की ओर से सभी जो बीएलओज हैं उनको ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ के लेवल पे जितने भी इस तरीके के मतदाता हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें। आइडेंटिफाई करने के बाद अगर वो घर से मतदान करना चाहते हैं तो उनको घर से मतदान करने की जो सुविधा है वो प्रदान वहाँ पर करी जाए।